नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का पहला अध्याय लोकतंत्र। आइए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र का विकास और इसके साथ हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में सरकार का चयन। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के अर्थ को जानते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक तथा तंत्र, जिसमें लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। दोस्तों, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां शासन व्यवस्था में आम लोगों की सहमति बहुत जरूरी हो जाती है। आइए अब लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता को ही सर्वोच्च शक्ति माना जाता है, क्योंकि जनता शासन व्यवस्था बना भी सकती है तथा बनी हुई सरकार को गिरा भी सकती है। इसके अलावा जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार भी होता है। वह अपने बीच से किसी भी व्यक्ति को चुनकर सरकार में भेजती है। इसके अलावा सरकार चलाने में अपनी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। आइए जानते हैं लोकतंत्र का विकास किस प्रकार हुआ, लोकतंत्र का उद्भव किस प्रकार हुआ। दोस्तों, प्राचीन समय से ही भारत और यूरोप के कई देशों में लोकतंत्र की लहर देखने को मिली। रोम के कई विद्वानों ने मानव समानता लाने के अनेक प्रयास किए। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन समय में विश्व में राजतंत्र का ही दबदबा था। सारी शक्ति राजा के हाथों में होती थी। राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। अगर राजा अच्छा होता था तो वहाँ के लोग बहुत खुश होते थे, और अगर राजा निर्दयी या फिर अयोग्य होता था तो सारी प्रजा दुखी रहती थी। धीरे धीरे लोगों ने राजा के इन अत्याचारों से तंग आकर उसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की स्थापना की। बच्चों, लोकतंत्र सबसे न्यायपूर्ण और सबसे अच्छी प्रणाली है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी को वोट देने और अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार होता है। सरकार के किसी भी गलत फैसले का विरोध करने का भी लोगों को यहाँ पर अधिकार होता है। आइए अब देखते हैं लोकतंत्र में सरकार का चयन किस प्रकार होता है। बच्चों, लोकतंत्र में सरकार का चयन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बच्चों, विश्व के कुछ देश जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में सारी जनता एक जगह पर इकट्ठी होकर अपने शासक का चुनाव करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसा कि आप अपने भारत में देखते हैं। यहाँ पर जनता अपने बीच से किसी प्रतिनिधि को सरकार में भेजती है जो सरकार चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जनता सरकार चलाने के लिए अपने बीच से जिस व्यक्ति को चुनकर भेजती है उसे जनप्रतिनिधि कहा जाता है, यानी वह जनता का प्रतिनिधि बनकर सरकार में जाता है। आइए जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, आज हमने सीखा लोकतंत्र का अर्थ और विशेषताएं, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर हम कर पाए। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हमने जाना लोकतंत्र में सरकार का चयन किस प्रकार होता है। बच्चों, हमने आज जो जो भी सीखा, आशा करता हूँ आप इसे एक बार घर में जाकर
जरूर देखेंगे। आइए अब देखते हैं हम अगली वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भारत में लोकतंत्र के बारे में, जिसके अंदर हम मताधिकार के बारे में जानेंगे। हम भारत में समानता असमानता को भी देखेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।